महंगाई के विरोध में धरती पर उतरे यमराज आम आदमी पार्टी के समर्थन में कटनी में आज आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल की बढ़ोतरी और खाद्य पदार्थों में महंगाई को लेकर रैली निकालकर विरोध जताया। तहसील परिसर के सामने मोदी सरकार एवं शिवराज सरकार के द्वारा हो रही प्रदेश में महंगाई को आड़े हाथों लेते हुए तहसील परिसर के सामने सरकार के लिए सद्बुद्धि यज्ञ करते हुए विरोध जताया और यमलोक से आए यमराज को साथ लेकर मोहन टॉकीज से होते हुए सुभाष चौक थाना तिराहा और तहसील परिसर तक रैली निकालकर हो रही महंगाई पर विरोध करते हुए अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा कि महंगाई पर अंकुश लगाया जाए, जिससे जनता का जीवन अंधकार में होता जा रहा है और सरकार महंगाई पर अंकुश लगाने में विफल हो रही है। क्योंकि मेरा शासन है, मैं मोदी भक्त हूँ, जो चाहूंगा वही करूंगा। पेट्रोल डीजल प्राइस पी जाऊंगा और तेल 200 का भाव होगा, यदि नहीं होगा तो मैं स्वयं उस तेल को पी जाऊंगा। आप प्रतिवासियों को ताने ताने पर मैं स्वयं मोदी भक्त हूँ, जो चाहूंगा वही होगा, सबका हमारा ही। हिंदू और मुस्लिम में ऐसा युद्ध करूंगा जो आज तक महाभारत और हमारे रामायण में नहीं देखा होगा, वैसा युद्ध कराऊंगा हिंदू और मुस्लिम। मैं मोदी भक्त हूँ, मैं इन भक्तों से नहीं डरता, मैं स्वयं पेट्रोल को पी जाऊंगा, डीजल को पी जाऊंगा और सिलेंडर को भी ले जाऊंगा। यदि आप लोगों ने हमारी सरकार दोबारा लाए तो मैं स्वयं रेलगाड़ी को भी लीन लूंगा, बैंकों का पैसा लूट के ले जाऊंगा। मैं स्वयं यमराज हूँ, मैं मोदी का खास यार हूँ, मैं उसी के पक्ष में काम करूंगा, जो वो चाहेगा वही होगा। क्या नाम है आपका? क्या नाम? हमारा नाम है यमराज। आम आदमी पार्टी के अनुसार समस्त मध्य प्रदेश में 15 जुलाई से 29 जुलाई तक मैं जो लगातार निरंतर केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर के महंगाई बढ़ा रही है, उस महंगाई के विरोध में आम आदमी पार्टी ने हस्ताक्षर अभियान चलाया था। कल हमारा 29 जुलाई को हस्ताक्षर अभियान समापन हुआ और आज 30 जुलाई को वो सभी हस्ताक्षर अभियान के जो पत्र है उन पत्रों के साथ ज्ञापन के साथ हमें महामहिम राज्यपाल को आज ज्ञापन सौंपना था। हवन किस चीज का? हवन हमने किया जो मध्य प्रदेश और केंद्र की सरकारें हैं, ये जनता ने जिस उद्देश्य इनको सत्ता में बैठाया है, लेकिन सत्ता में बैठने के बाद आम जन को भूल गई है। आज आम जन कोरोना काल के टाइम पे तड़प रहा है, हर प्रकार से चारों तरफ से महंगाई की बोझ झेल रहा है, उसके बाद सरकारें उसका ध्यान नहीं रख रही आम आदमी का। तो ईश्वर से हमने प्रार्थना किया है कि ईश्वर ऐसी मोदी सरकार को, शिवराज सरकार को, हमारे कटनी के जिला प्रशासन को सद्बुद्धि दे। हमने सद्बुद्धि यज्ञ किया है, जब ईश्वर ही है जिनको सद्बुद्धि दे, जिससे आम जनता को राहत दिला। मैं एडवोकेट सुनील मिश्रा हूँ, आम आदमी पार्टी का जिला अध्यक्ष।